अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं बिरयानी। अब शुरू करते हैं हम बिरयानी बनाना। और ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मतलब घी, ऑयल में तो नहीं पकाते बिरयानी, घी हमारा गर्म हो गया है। और मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज। प्याज हमने डाल दी है और अब हम इसे करेंगे हल्का ब्राउन करेंगे इसको ना, इसको हल्का ब्राउन करके ना बाकी जो मसाले हैं वो आपको स्टेप बाई स्टेप मैं दिखाती रहूँगी। और आज हम बना रहे हैं तवे वाली बिरयानी। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है। और इसको मैं भून रही हूँ, अभी 5 मिनट तक इसको भूनूंगी। और जैसे जैसे मैं ना आ रही हूँ, आप भी ऐसे बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा वो कैसे बनी है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ तवे वाली बिरयानी। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये जो टमाटर है और सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे मैं चीज़ें डाल रही हूँ स्टेप बाई स्टेप मैं आपको ना बताती जा रही हूँ, जो जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको अब मैं ना थोड़ा सा हाई फ्लेम और उसके बाद मैं थोड़ा सा लो फ्लेम कर दूँगी और 10 मिनट तक इसको ना ढक्कन दे कर ना तो इसको बंद कर दूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हमने इसमें ना एक कटोरी दही शामिल की है फेंट कर और हल्का सा पानी डाला है, सिर्फ आधा गिलास से भी कम, आधा गिलास से भी कम मैंने पानी डाला है इसमें। और इसको फिर मैं डाम दूँगी, अब पूरे 10 मिनट के लिए इसको मैं डाम दूँगी, कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद मैं उसे चूल्हे पे रख देती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ चावल, तभी मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने बिरयानी में नमक सिर्फ इतना सा डालना है, सिर्फ इतना सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने नमक डाल दिया था, ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ यह है कि इतना सा डालना है। 1 किलो गोश्त है और 1 किलो ही चावल है और इसमें सबसे कम सिर्फ नमक होना चाहिए, वरना आपकी बिरयानी जो है ना वो ख़राब हो सकती है, नमक बहुत तेज़ हो सकता है उसमें ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है ये, नमक बहुत कम होना चाहिए इसमें ना तवे वाली बिरयानी में। क्या होगा, आपको चावल भी नमकीन हो गए, जब बॉयल करेंगे उसमें नमक जाएगा तो वो भी आपके नमकीन हो जाएंगे, तो फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। नमक वो कम से कम रखें इसमें। ये हमारा थोड़ा सा रह गया पानी, ये खुश्क हो जाएगा, जब हल्का रह जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी कितना पानी रखते हैं, कितना सा रखते हैं, जिस तरह के मसाला हल्का हल्का रह जाए और फिर बिरयानी में ना डालने के लिए में चावल तय लगाने के लिए ज़्यादा भी ना खुशक हो जाए और ज़्यादा भी पानी भी ना हो। जब हो जाएगा ना पानी खुशक तो फिर मैं आपसे मिलते फिर। अब देखिए फाइनल लुक हमारा ये है। और अब देखें फाइनल लुक हमारा ये है।
इतनी सी ग्रेवी होनी चाहिए। ये देखिए, ये इतनी सी ग्रेवी रखी है मैंने। और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है, और यहाँ पर मैंने चावल भी उबाल दिए हैं। और आँच अब हम तेज़ कर देंगे, और अब मैं फिर इसमें जब पानी बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर चावल डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें जो भी चीज़ें ऐड होनी थी वो सब मैंने आपको दिखाई हैं। अब इसमें कुछ भी और ऐड नहीं होगा, और जैसे मैं तह लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे तह लगाती हूँ, और उसके ऊपर फिर फूड कलर भी डालूंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलें मिलते हैं फिर बाद में आपसे। पानी देखिए हमारा बॉयल हो गया, और अब हम इसमें ऐड करते हैं चावल। चावलों के लिए हमेशा मैं देश का भरा लेती हूँ, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ ताकि चावल अच्छी तरह से ना बॉयल हो जाए। और अब इसको मैं ढाँप दूँगी, इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मोबाइल मैंने अकेले ही नहीं पकड़ा, खुद ही वीडियो शूट कर रही हूँ और खुद ही बना रही हूँ। और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और यहाँ पर आप जितना मर्ज़ी नमक ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाले डाल रही हूँ, 4 टीस्पून डाले हैं इसमें। और अब जब इससे बॉयल आएगा तो फिर आपसे देखती हूँ कि कितना आपने रखना है चावल को, नरम करना है और कितना आपने पकाना है इसको, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और यहाँ हमने ना चावल हमारा बॉयल हो गया, और आधा ये देखिए ना आधा कच्चा है और आधा पक्का है। यहाँ पर ये हमारे ना दम पर जाएगा। अब इसको मैं पानी निकाल लेती हूँ चावलों का, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये देखिए मैं, और अब मैं इसको ना तह लगाने लगी हूँ चावलों की। पहले चावलों की लगाऊंगी, और उसके बाद वो अब ये देखिए मैं तह लगाने लगी हूँ। सबसे पहले चावल तह लगाऊंगी, साथ में थोड़ा सा फूड कलर और हल्का सा ना इसमें घी। अब इसमें मैंने फूड कलर भी डाल दिया, ऐड कर दिया, और भी मैं ना इस पर सिर्फ डालूंगी। अब एक तरह सिर्फ चावलों की लगाऊंगी, और ये देखिए अब हमने तह भी लगा ली है, और अब मैं इसको ढांपने लगी हूँ। इसको हाई फ्लेम पर तो नहीं रखूँगी, हल्का सा करूँगी पहले, थोड़ा सा हाई फ्लेम करूँगी, उसके बाद लो कर दूँगी, बिल्कुल जैसे दम पर रखते हैं ना। 10 मिनट इसको दम पर रखूँगी। और ये हमारे चावलों की फाइनल लुक, ये देखें
बिस्मिल्लाह। और ये रही हमारी फाइनल लुक। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल सही है ना। और ये देखिए ये माशाल्लाह अच्छी तरह से गल गई है। और चावल ही माशाल्लाह एक एक दाना बिल्कुल। और बताइएगा कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी आपको। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी। आइंदा भी आपको अच्छे से खाने बना के आपको दिखाऊँ करूँगी। और आप बनाइएगा और खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। और हमेशा अच्छी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।